जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है कि SSCGD 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है और इसके साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आ रहा है कि भैया आखिर इसका जो कट ऑफ है वो कट ऑफ कितना गया है। तो दोस्तों, आप लोग को सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि SSCGD का कभी भी रिजल्ट आता है ना, तो आप लोग की स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। हम पिछले सेशन में आप लोग को बतलाए हैं, उसमें ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कराए थे कि रिजल्ट आप लोग का जारी हो चुका है, किस प्रकार आप लोग रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग को अपना रिजल्ट चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया, आप लोग वहां से देख सकते हैं। उसके साथ साथ उसमें हम आप लोग को सिर्फ बिहार और फिर यूपी का आप लोग को जो है स्टेट वाइज कट ऑफ बतलाए हैं, मगर इस सेशन में आप लोग को बतलाने वाले हैं पूरे भारत का स्टेट वाइज कट ऑफ कितना है। ये ठीक है, यानी कि पूरे स्टेट का, भारत में जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट का, कौन से स्टेट का कितना आप लोग का कट ऑफ गया है, बॉर्डर एरिया का कितना गया, जनरल एरिया का कितना गया, नक्सल एरिया का कितना गया, सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा धैर्य से देखिएगा साथियों। अगर आप लोग इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, तो वादा करते हैं कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को किसी का भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फुल इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बता दें, ये जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं 2024 का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद आइए यहां पर हम आप लोग को दिखलाना चाहेंगे, हमारे छोटे भाइयों, यहां पर सबसे ऊपर में ही आप लोग का मेंशन किया गया है। देखिए, फीमेल कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड हुई हैं वो ऑल इंडिया वैकेंसी ऑफ SSF के लिए। तो देखिए, SSF वाला जो आप लोगों की यहां पर कट ऑफ निकाली गई है, वो कट ऑफ सबसे पहले देख लीजिए किसके लिए, तो फीमेल के लिए। तो SSF का जो फीमेल का कट ऑफ देखते हैं, तो देखिए SSF SC का कट ऑफ कितना गया है, 138 गया है। वहीं पर बात कर ले ST का, तो 130, OBC 144, EWS 143, UR 146, ESM 62 गया हुआ है, ठीक है। ये फीमेल का हो गया, SSF का, ठीक है साथियों। अब इसके बाद हम लोग इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग का टोटल मेंशन किया गया है कि आखिर कितने फीमेल कैंडिडेट्स का जो है SSCGD 2024 में रिजल्ट आया हुआ है। तो ये भी आप लोग देख लीजिए, टोटल 38,328 फीमेल कैंडिडेट्स का SSC ने रिजल्ट घोषित किया है। इसे ध्यान रखिएगा, इनका लोग, इतने लोग जो है ना फीमेल कैंडिडेट्स, ये लोग फिजिकल देने के लिए एलिजिबल है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कैटेगरी वाइज, तो देखिए EWS के लिए 3,096, SC के लिए 5,984, ST के लिए 3,696, OBC के लिए 8,410, UR कैंडिडेट्स के लिए 17,138 और ESM के लिए 4 आप लोग कैंडिडेट्स यहां पर क्वालिफाई की गई हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। उसके बाद अगर हम लोग नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, तब हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, ये आप लोग का SSF मेल के लिए कट ऑफ है। देखिए, मेल के लिए हो गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा साथियों, पूरा नोटिफिकेशन का आप लोग का स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाएंगे। इस वीडियो के बाद कोई का भी वीडियो देखने की आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वादा करेंगे। ये देखिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए जो SSF वाले का है, तो उनका कट ऑफ कितना गया है। तो देखिए, मेल SSF में SC की बात कर ले तो 148 गया है, ST की बात करें 143, OBC की 152, EWS की 151, UR की तो 153 और ESM की 94 गई है साथियों, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ, और किसके लिए, कौन से पोस्ट के लिए, तो SSF के लिए। इसके साथ अगर हम लोग देखें तो कितने आखिर मेल कैंडिडेट्स का यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ है, यानी कि कितने मेल कैंडिडेट्स फिजिकल दे सकते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए, 3,08,076 कैंडिडेट्स, 3,08,076 कैंडिडेट्स जो हैं वो SSCGD के फिजिकल देने के लिए एलिजिबल हैं मेल कैंडिडेट्स, ठीक है। इसमें अगर हम लोग कैटेगरी वाइज देख ले, तो देखिए EWS के लिए यहाँ पर है 26,507, SC के लिए 47,697, ST के लिए 31,381, OBC के लिए 67,731 और UR के लिए 1,31,875 और ESM के लिए 2,285 आप लोगों की यहाँ पर इतने इतने कैंडिडेट्स का कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी हुआ है, यानी कि इतने लोग जो है फिजिकल दे सकते हैं। कितने लोग, तो 3,08,076 कैंडिडेट्स मेल में SSCGD में फिजिकल देंगे, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया अब आप लोगों का। अब आप लोग को दोस्तों नीचे दिखलाना चाहेंगे कि आप लोग की स्टेट वाइज आखिर जो है अब कट ऑफ कितनी गई है। ये हो गया SSF का, ऊपर हम आप लोग को बता दिए। अब SSF को छोड़ करके अन्य जितना भी आप लोग का पोस्ट है, उन सभी पोस्ट के लिए यहां पर आप लोग का कट ऑफ मेंशन किया गया है। तो आइए अब हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो ऊपर है सबसे पहले आप लोगों का किसके लिए, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो हम लोग फीमेल को बाद में देखेंगे, सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स का हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मेल कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा है। तो मेल कैंडिडेट्स हमारे भाई, आइए अब आप लोग को हम यहाँ पर बतलाना चाहेंगे। देखिए, कट ऑफ डिटेल्स ऑफ मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट एंड यूटी वाइज
यहाँ पर, ठीक है, वैकेंसीज फॉर पीएचडी एंड पीटी के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अंडमान एंड निकोबार में जनरल एरिया के लिए ओबीसी का कटअप कितना गया है, तो 63, ठीक है, उसी के साथ साथ जनरल का 67 गया है। साथियों सभी कैटेगरी का हम नहीं देखेंगे, सिर्फ ओबीसी और जनरल यानी कि यूआर का देखेंगे, इसे ध्यान रखें। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जनरल एरिया में ओबीसी के लिए 63 और यहां पर जनरल एरिया में यूआर के लिए 67 गया हुआ है, यानी कि 4 नंबर का अंडमान एंड निकोबार में फासला देखने को मिला। आंध्र प्रदेश में जनरल एरिया ओबीसी की अगर बात कर ले तो 86 गया है, आंध्र प्रदेश में जनरल एरिया यूआर की अगर बात कर ले तो 84 गया है, यानी कि लगभग आप लोगों का जो है 2 नंबर यहां पर ओबीसी का ही ज्यादा गया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आंध्र प्रदेश खत्म होने के बाद हम लोग आता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात कर ले साथियों, तो देखिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में जनरल कैंडिडेट्स का जो है ये 48 आया हुआ है कटअप, ठीक है, ये बॉर्डर एरिया है, सॉरी हम लोग देखेंगे जनरल एरिया की। तो अरुणाचल प्रदेश में जनरल एरिया में आप लोगों की जनरल के लिए कितनी कटअप गई है, तो 69 गई हुई है, इसे ध्यान रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश में ओबीसी का जनरल एरिया में सीटें नहीं था, इसे ध्यान रखें। तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ईडब्ल्यूएस की कटअप को देख लेते हैं, तो 41 गया था जनरल एरिया के लिए, ठीक है। नक्सल और बॉर्डर एरिया वाले भाई, आप लोग के लिए हम टेलीग्राम पर ये जो नोटिफिकेशन है अपडेट कर दिया है, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन होकर के आप लोग खुद से अपने नक्सल एरिया बॉर्डर एरिया वाले देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग असम की बात कर ले तो यहाँ पर बॉर्डर एरिया है, हम लोग बॉर्डर एरिया को नहीं देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बनेगा, सिर्फ जनरल एरिया को देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए असम में जनरल एरिया ओबीसी के लिए, तो जनरल एरिया में ओबीसी के लिए 66 गया हुआ है साथियों, और वहीं पर बात कर ले जनरल एरिया में यूआर कैंडिडेट्स का तो 69 गया, यानी कि 3 नंबर का लगभग जो है आप लोग को फासला देखने को मिला है असम में, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है हम लोग का बिहार, तो बिहार में आता है दोस्त ओबीसी का जनरल एरिया ओबीसी के लिए 125 गया था, ये मैंने आप लोग को अपने प्रीवियस ईयर के वीडियो में बताया था कि 125 मैंने पहले भी आप लोग को एक्सपेक्टेड कटअप बताया था साथियों, ठीक उतना ही आया है। उसके बाद जनरल एरिया यूआर की बात कर ले बिहार में तो 125 इसका भी गया है, लगभग सेम ही गया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार में जनरल और ओबीसी का लगभग आप लोगों का सेम गया है दोस्त, ठीक है। और नक्सल एरिया बॉर्डर एरिया वाले भैया टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में जो है यहाँ पर जनरल एरिया ओबीसी के लिए कितना गया है, तो 68, चंडीगढ़ में जनरल एरिया यूआर के लिए 85 गया हुआ है, इसे ध्यान रखिए, लगभग आप लोगों की यहाँ पर 13 अंकों की फासला देखने को मिल रही है साथियों, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, चंडीगढ़ खत्म हो गया, अब आता है हम लोग का छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में जनरल एरिया में ओबीसी कैंडिडेट्स का देखिए कितना गया है, 117, और जनरल एरिया में जनरल का कितना यानी कि यूआर का कितना गया है, तो 96 गया है, अच्छा खासा फासला यहां पर देखने को मिला है, जनरल का कम और ओबीसी का ज्यादा गया हुआ है। ठीक उसी प्रकार दादर एंड नागर की हवेली की अगर हम लोग बात करें तो जनरल एरिया में यूआर कैंडिडेट्स की 63 गई है, ठीक है, और यहाँ पर ओबीसी की नहीं है, सिर्फ एसटी और यूआर की थी, तो एसटी की 60 गई है, आप लोग कटअप देख सकते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद चलते हैं हम लोग दिल्ली के में, तो दिल्ली में देखते हैं जनरल एरिया ओबीसी का कितना गया है, तो 118, ठीक है, जनरल एरिया ओबीसी का कितना गया, 118, ये दिल्ली की बात कर रहे हैं हम। और यहीं पर बात कर ले हम लोग जनरल एरिया, देखिए दिल्ली की जनरल एरिया में जनरल क्या यानी कि यूआर कैंडिडेट्स का कितना गया, तो 125 गया हुआ है, ठीक है दोस्त। चलिए आप लोग जिस भी स्टेट से हैं अपना अपना कटअप साथियों देखते रहिएगा, और अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आप लोग को रिप्लाई जरूर देंगे कि आपके स्टेट का कितना कटअप गया हुआ है, चाहे आप लोग नक्सल एरिया से हैं, चाहे बॉर्डर एरिया से हैं, चाहे किसी भी जगह से हैं, आप लोग जरूर जो है कॉमेंट करिएगा, आप लोग का हम रिप्लाई जरूर देंगे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं तो गोवा का देखने को मिलेगा, गोवा में जनरल एरिया के लिए साथियों सॉरी गोवा में जनरल एरिया में ओबीसी के लिए कितना गया, 41, गोवा में जनरल एरिया यूआर के लिए कितना गया, तो 48 गया है। गुजरात में जनरल एरिया ओबीसी की बात कर ले तो 88 गया है, गुजरात में जनरल एरिया यूआर की बात कर ले तो 90 गया है, एक नंबर का फासला देखने को मिला, ज्यादा नहीं देखने को मिला है। हरियाणा की बात कर ले तो जनरल एरिया ओबीसी के लिए कितना गया है, 134, हरियाणा जनरल एरिया यूआर की कितनी गई है, तो 135, यहां पर भी एक नंबर का फासला देखने को मिला है, हरियाणा गुजरात दोनों जगह पर एक एक नंबर का। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा खत्म हुआ साथियों, अब हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश। दोस्तों एक बार आप लोग से निवेदन करेंगे, जरूर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आप लोग को हम पूरे भारत का स्टेट का जो है सारा कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग जनरल एरिया की बात कर ले तो जनरल एरिया ओबीसी की कितनी गई है, 120, हिमाचल प्रदेश में जनरल की कितनी यूआर की कितनी गई है, तो 124, यानी कि 4 नंबर का आप लोग का कुल फासला देखने को मिल रहा है, 4 नंबर जनरल का ज्यादा गया है, ठीक है साथियों। चलिए उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की बात आती है,
तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर बॉर्डर एरिया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बॉर्डर एरिया है। हम लोग जनरल एरिया की बात करेंगे, तो जम्मू कश्मीर में जनरल एरिया की अगर हम लोग कटअप देखते हैं तो देखिए ओबीसी की 47 गई है दोस्त, और जम्मू कश्मीर में आप लोगों की जनरल की यानी कि यूआर की कितनी, तो 78। बाप रे, बहुत ज्यादा फासला देखने को मिला दोस्त, बहुत ज्यादा गैप आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर आप लोग को कितने का, तो 31 अंक का आप लोग को फासला देखने को मिल रहा है जनरल और फिर ओबीसी में जम्मू कश्मीर में, बहुत ज्यादा फासला है ये, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसे कह सकते हैं। अब आता है हम लोग का झारखंड, झारखंड की हम लोग बात कर ले तो देखिये झारखंड में ओबीसी जनरल एरिया 109, झारखंड में यूआर का कितना गया है जनरल एरिया, तो 102। यहां पर भी भैया ओबीसी का जो है 7 नंबर ज्यादा गया है झारखंड में। उसके बाद कर्नाटका में जनरल एरिया की हम लोग बात कर ले तो कर्नाटका में जनरल एरिया ओबीसी की 78, कर्नाटका में जनरल एरिया यूआर की कितनी गई है, तो 81 गई है हमारे छोटे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से केरला, तो देखिए केरला में आप लोग की कितनी कट ऑफ गई है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। देखिए केरला में जनरल एरिया ओबीसी कितनी गई है, तो 65। केरला में अगर हम लोग बात करें जनरल एरिया यूआर की, तो 66 गई हुई है, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग का बॉर्डर का है, लद्दाख के देख लेते हैं, लद्दाख में जनरल एरिया ओबीसी कितनी गई है दोस्त, तो 62 गया है लद्दाख में जनरल एरिया, और जनरल की कितनी गई है, तो 48 गई है। यहाँ पर भी जनरल का सॉरी ओबीसी का जो है कटअप बहुत ज्यादा देखने को मिला है जनरल के मुकाबले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश, तो देखिए दोस्त मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में आप लोग का जनरल एरिया में ओबीसी की 135 और मध्य प्रदेश में यूआर की कितनी गई है, तो 133 गई हुई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे बढ़ते हैं तो देखने को हम लोग को मिलता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बचा हुआ है तो महाराष्ट्र को अब हम लोग कवर करेंगे। महाराष्ट्र जनरल एरिया ओबीसी कितनी गई है, 104। महाराष्ट्र में जनरल एरिया यूआर की 105। उसके बाद बात कर लेते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में जनरल एरिया ओबीसी की कितने गई है दोस्त, तो 66। और मणिपुर में जनरल एरिया यूआर की कितनी गई है, तो 66, यानी कि सेम लगभग गया हुआ है, पॉइंट समथिंग का डिफरेंस देखने को मिला है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है दोस्त। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय में इधर आप लोग का बॉर्डर एरिया है, जनरल एरिया देख लीजिए ओबीसी का 40 गया है और जनरल एरिया यूआर का 49 गया है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है हम लोग का मिजोरम, तो मिजोरम में जनरल एरिया ओबीसी 75, मिजोरम में जनरल एरिया ओबीसी कितनी गया है साथियों, तो यहाँ पर आप लोग हम लोग बात कर लेते हैं 75 और ये जनरल एरिया यूआर की, तो 76। नागालैंड में जनरल एरिया ओबीसी की, तो 102। नागालैंड में जनरल एरिया यूआर की, तो 68 गया हुआ है, यहाँ पर भी ओबीसी का जो है ज्यादा कटअप गया हुआ है नागालैंड में। ओडिशा में जनरल एरिया ओबीसी की बात कर ले तो 100, ओडिशा में यूआर की बात कर ले तो 95, यहाँ पर भी 5 नंबर ओबीसी को ज्यादा पड़ा है भैया, भारी पड़ा है ओबीसी पर, ठीक है। चलिए उड़ीसा खत्म, अब आता है हम लोग का पुडुचेरी, तो भैया आइए देखते हैं पुडुचेरी में कितना गया है, तो देखिए जनरल एरिया ओबीसी कितना गई है, 46, जनरल एरिया यूआर 48, 2 नंबर का फासला, ठीक है। उसके बाद पंजाब में जनरल एरिया ओबीसी की कितनी गई है, 79। पंजाब में जनरल एरिया जनरल की कितनी गई है, तो 85, यहां पर भी आप लोग को 6 नंबर का फासला देखने को मिला, ठीक है। इसके बाद यहां पर तो आप लोग का बॉर्डर एरिया है, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो राजस्थान का जनरल एरिया अब हम लोग कवर करेंगे। देखिए राजस्थान का भी थोड़ा हाई कट ऑफ जाता है भैया, तो राजस्थान का जो जनरल एरिया में ओबीसी का कितना गया है, 138, और राजस्थान में जनरल एरिया का जनरल में कितना गया है, तो 138, यानी कि ओबीसी और जनरल दोनों का सेम गया है, ओबीसी और यूआर कैंडिडेट्स का, ठीक है, राजस्थान में 138 गया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कौन से स्टेट का, तो आता है हम लोग का सिक्किम, तो सिक्किम में ओबीसी की कितनी गई है, 42। सिक्किम में जनरल एरिया यूआर की 51, ठीक है साथियों, 9 नंबर का लगभग फासला देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु जनरल एरिया ओबीसी कितनी गई है, 73। तमिलनाडु जनरल एरिया जनरल की यूआर कैंडिडेट्स की 72 गई हुई है। तेलंगाना की बात कर ले जनरल एरिया ओबीसी कितनी गई है, 76। तेलंगाना की बात कर ले जनरल एरिया जनरल की 78 गई है हमारे छोटे भाइयों, ठीक है। सभी स्टेट का आप लोग अपना अपना देख सकते हैं साथियों। उसके बाद अब आता है हम लोग का त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में जनरल एरिया ओबीसी की कितनी गई है, 99। त्रिपुरा में जनरल एरिया यूआर की कितनी गई है, तो 65। भाई साहब इतना फासला, बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा। देखिए भैया यहाँ पर आ गया आप लोग का 34 नंबर का फासला देखने को मिल गया आप लोग को यहाँ पर त्रिपुरा में। चलिए अब आती है हम लोग की उत्तर प्रदेश भैया और उत्तराखंड, उसके बाद हो जाता है हम लोग का खत्म। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जनरल एरिया की ओबीसी की कितनी गई है, 139, और उत्तर प्रदेश में जनरल एरिया यूआर की कितनी गई है, तो 139। सबसे हाईएस्ट अभी हम लोग को कहां पर देखने को मिला, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आप लोगों का उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर उत्तराखंड में, उत्तराखंड जनरल एरिया उत्तराखंड जनरल एरिया ओबीसी की कितनी, 116। उत्तराखंड जनरल एरिया यूआर की कितनी, तो 123 गई हुई है, ठीक है। चलिए और भी है क्या आप लोग का कोई स्टेट,
हाँ वेस्ट बंगाल बसता है, हम लोग का लास्ट स्टेट यहाँ पर खत्म होता है। तो आइए देखते हैं वेस्ट बंगाल में जनरल एरिया ओबीसी की कितनी गई है, तो 89। वेस्ट बंगाल में जनरल एरिया यूआर की तो 95 गई है, यहाँ पर भी 6 नंबर का फासला देखने को मिला साथियों। चलिए तो ये साथियों हम लोगों ने कंप्लीट किया अभी मेल का टोटल कटअप, ठीक है, मेल का टोटल कंप्लीट किया। इसी प्रकार से यहाँ पर फीमेल का भी, अगर फीमेल का भी बतला देंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। अगर फीमेल कैंडिडेट आप लोग हैं तो आप लोग अपने अपने स्टेट का जरूर कॉमेंट करिएगा कि नक्सल एरिया से है, जनरल एरिया से, किस एरिया से है, और आप लोग जो है अपना जरूर से जरूर कॉमेंट करिएगा, हम आप लोग को रिप्लाई में जरूर दे देंगे कि आप लोग का कितना कटअप गया है, ठीक है। आप लोग को ज्यादा वीडियो देखने का कोई काम नहीं, ज्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन था दोस्त प्रोवाइड करा दिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग से एक बार बिना करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए विजिट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम आप लोगों को नए नए जॉब्स का अपडेट और उसके साथ साथ जॉब्स के अपडेट के साथ साथ आप लोगों को बीच में रिजल्ट आता है, एडमिट कार्ड आता है, फुल इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।